बहुत ज़्यादा मोटे, सख्त और कड़े बाल हैं और आप अपने फेशियल हेयर की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, तो आज मैं आपको दो ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपके फेशियल हेयर को हमेशा के लिए जड़ से रिमूव करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निगार अपने चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और आपके लिए आज इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके फेशियल हेयर को रिमूव करने के बहुत ही कमाल के टिप्स। ठीक है, मैंने देखा है कि मेरे चैनल पर बहुत सारी गर्ल्स आती हैं और वो ये कमेंट करती हैं कि दी, हमारे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर है, अगर वैक्स कराते हैं तो हमारे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, महीन दाने निकल आते हैं, या फिर अगर हम ब्लीच करते हैं तो ब्लीच से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। तो यकीनन ये दोनों ही मेथड बिल्कुल रॉन्ग है गाइस। आपके फेशियल हेयर को जड़ से रिमूव करने के लिए मैं आज एक ऐसे मेथड बताऊंगी जिसको यूज करके आप अपने फेशियल हेयर को कम्प्लीटली खत्म कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का ये वीडियो मेरी फैमिली को पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आती हूँ अपने चैनल पर। चलिए देखते हैं कि हम अपने फेशियल हेयर को जड़ से किस तरह से हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए गाइस जो रेमेडी हम बनाने वाले हैं उसमें हमें सबसे पहले चाहिए एलम पाउडर यानी फिटकरी का पाउडर। फिटकरी के अंदर जो गुड़ मौजूद होते हैं गाइस वो नेचुरल तरीके से हमारे बालों की ग्रोथ को ख़त्म करती है और अगर आपके बहुत ज़्यादा मोटे, सख्त और कड़े बाल हैं तो उनकी जड़ों को कमज़ोर करके वो जड़ से उन बालों को वहाँ से हटाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिटकरी का एक टुकड़ा लिया था और उसको कूट लिया पहले और कूटने के बाद मैंने उसका पाउडर बना के रख लिया इस तरह से। ये पाउडर आप देखें, ये इस तरह से आपका महीन पाउडर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये फिटकरी का पाउडर लिया है, तकरीबन एक चम्मच फिटकरी पाउडर आपको डालना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं ये देखें इस तरह से मैंने एक चम्मच ले लिया है फिटकरी का पाउडर। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो आपको इसमें इस्तेमाल करना है वो है कोकोनट ऑयल, ताकि हमारे स्किन के ऊपर इससे कोई भी रैशेस ना आए और स्किन हमारी इसको यूज़ करने के बाद ड्राई ना रहे। ठीक है, तो तकरीबन आपको आधा चम्मच इसमें कोकोनट ऑयल की ऐड कर देनी है। ठीक है, तो आधा चम्मच मैं कोकोनट ऑयल इसमें डाले ले रही हूँ गाइस। अब यहाँ पे जो थर्ड इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो है टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर। ये होममेड हल्दी पाउडर है, इसको मैंने घर पे बनाया था, बट अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक है उसका आप यूज़ कीजिए, उसके रिजल्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे हैं। एक चुटकी बस हल्दी पाउडर की इसमें ऐड कर देनी है, सिर्फ एक ही चुटकी हम डालेंगे। ठीक है, एक चुटकी आपने डाल लिया हल्दी पाउडर और नेक्स्ट यहाँ पे हम जो ऐड करने वाले हैं वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर के कुछ बूंदें आपको इसमें ऐड करनी है, ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी बूंदें मैंने रोज़ वाटर की इसमें ऐड कर ली है। ये वाला रोज़ वाटर जो मैं यूज़ करनी होगा गाइस, ये बिल्कुल प्योर रोज़ वाटर आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत जल्दी एक वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लिया है गाइस और अब फ्यू ड्रॉप्स आपको इसमें लेमन जूस की ऐड करनी है। चंद कतरे आप लेमन जूस की डालेंगी, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको लेमन जूस से एलर्जी है या फिर आप नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो आप लेमन जूस को स्किप कर देना। ठीक है, ये सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ पे आपको फेशियल हेयर है ना तो वहाँ पे इसको यूज़ करने से पहले वहाँ की स्किन को आप अच्छे से पहले क्लीन करोगी रोज़ वाटर से। ठीक है, जैसे कि यहाँ की स्किन, अगर क्रीम या मेकअप लगा होगा तो आपके फेशियल हेयर अच्छे से रिमूव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फेशियल हेयर है, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, जहाँ पे मुझे फेशियल हेयर है वहाँ पे मैं अपनी स्किन को क्लीन कर ले रही हूँ। ठीक है, रोज़ वाटर से क्लीन करने के बाद आपको ये जो रेमेडी हमने बनाई है इसको आपको लगाना है। ठीक है, और इसे आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है यानी ऊपर की तरफ।
एक थिक पेस्ट आप लगाओगे और इसी तरह से आपको यहाँ भी तो इस तरह से हमने लगाने के बाद इसको 15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देना है और 15 मिनट के बाद हम इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे गाइस इसको लगे हुए 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, ठीक है। और ये ना स्किन के ऊपर थोड़ा सा सूख चुका है और चिपक चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको रबिंग करनी है, यानी सर्कुलर मोशन में आप इस तरह से रब करोगी, ठीक है। ये देखिए गुलाई में हल्के हाथों से आपको रगड़ना है इसको। बट ये ध्यान रखें कि अगर आपको फेस के ऊपर एक्ने या फिर पिंपल्स वाली दिक्कत है तो आप ये कतई यूज़ नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे गुलाई से आप इस तरह से इसको रगड़ेंगी। तो 3 से 4 मिनट तक इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको रगड़ने के बाद इसको आपको वॉश कर लेना है ठंडे पानी से। ठंडे पानी से इसको पोंछ लिया है, ठीक है। और अगर अब आपको हल्का फुल्का सा लग रहा है कि आपके फेस के ऊपर रेडनेस है, वैसे तो होगी नहीं, बट अगर लग रहा है तो आप क्या करें कि थोड़ा सा रोज़ वाटर लेंगी और जहाँ पे भी आपने अपने हेयर्स को रिमूव किया है उस जगह पे आप लगा लेना, ठीक है। ये मेथड एक बार में काम नहीं करेगा, पहले ही मैं बता देती हूँ आपको। तकरीबन आप 1 मंथ इसको यूज़ करेंगी, 2 हफ्ते में इसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। 2 हफ्ते में आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा आपको कम नज़र आएगी और साथ ही साथ जो आपके फेशियल हेयर थे, जो अनवांटेड हेयर थे, वो दोबारा नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो बहुत हल्के आएंगे, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखें कि कंटिन्यू आपको करना है, ये नहीं कि एक बार यूज़ किया, 2 बार यूज़ किया और फिर बोला कि इससे कुछ नहीं होता है, ऐसा आपको नहीं करना है। कंटिन्यू 1 मंथ तक आप इसको यूज़ कीजिए गाइस, और इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चिकनी भी आपको दिखेगी, कोई रेडनेस नहीं आएगी, कोई सेंसेशन नहीं आएगा। बस 1 महीने तक इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको अपनी फेशियल ग्रोथ जो है वो बहुत कम दिखेगी और आपके हार्ड से हार्ड बाल भी जड़ से खत्म हो जाएंगे और दोबारा वापस नहीं आएंगे। बट इन रेमेडी को यूज़ करने के बाद साबुन और फेस वॉश का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगी, ठीक है। और यूं ही इसको नेचुरली आप रहने दोगी, अगर हल्की सी सेंसेशन या जलन आपको फील हो तो नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। ये मेथड आपको हफ्ते में 3 बार अपनाना होगा, ठीक है। 1 मंथ कीजिए इसको। आई होप कि आज का ये वीडियो मेरी फैमिली को, मेरी फैमिली के जितने भी मेम्बर हैं, जितने भी गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, अगर वो इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं तो उनको बहुत हेल्प मिली होगी, मिली है ना गाइस। अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, आज ही विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लिए मैं अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियोस लेकर आती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेक केयर, बाय बाय।